नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज की खास पेशकश ज्योतिष गुरु में। मैं हूं आपके साथ ज्योतिष गुरु शिरोमणि सचिन। मित्रों, आपको बताऊंगा आपके पूरे दिन का हाल, कैसा रहेगा आपकी राशियों का हाल, कौन कौन सी आपको सावधानी बरतनी होगी और इसी के साथ ही कौन सा रंग आपके दिन को बेहतर बनाएगा, इस बात पर भी हम चर्चा करेंगे। मित्रों, चार महा उपाय आपके साथ साझा किए जाएंगे जो आपके दैनिक दिनचर्या से जुड़ी हुई तमाम बड़ी समस्याओं को खत्म कर देंगे। लेकिन एक विशेष बात, अगर आपके मन में कोई समस्या है तो स्क्रीन पर हमारा नंबर चल रहा है, उस नंबर पर आप हमें कॉल करके डायरेक्ट बात कर सकते हैं, लाइव बात कर सकते हैं। तो अब आपके मन में कोई समस्या नहीं रहनी चाहिए, आपकी मुझसे होगी सीधी सीधी बात, कहीं ना कहीं आपके मन की समस्याएं बिल्कुल होंगी खत्म। तो शुरुआत करते हैं आज भी पंचांग से। दिनांक 6 जुलाई 2024, दिन शनिवार, आषाढ़ मास, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि, नक्षत्र होगा पुनर्वसु, चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण करेंगे, राहु काल का समय आप नोट करिए, सुबह 9 से 10:30 के मध्य का समय रहेगा। इस दौरान किसी भी नए कार्य की शुरुआत ना करिएगा वरना नुकसान होगा। दिशाशूल होगा आज पूर्व दिशा की ओर यात्रा बिल्कुल ना करें। अगर आपको मजबूरी में यात्रा करनी है तो भगवान श्री हरि का ध्यान करके यात्रा कर सकते हैं। आइए मित्रों, आगे की ओर बढ़ते हुए अब आपको अवगत कराते हैं आज के दिव्य महामंत्र से। ओम श्रीम श्रियै नमः, ओम श्रीम श्रियै नमः। इस महामंत्र का या तो कमल गट्टे की माला या लाल चंदन की माला से प्रदोष काल में 108 बार जाप करें। ऐसा करने से घर की तमाम परेशानियां खत्म होंगी, धन का अभाव खत्म होगा। अगर आपका व्यापार में कहीं पैसा रुक गया है तो इस महामंत्र के जाप से अवश्य ही लाभ होगा। मित्रों, अगर आपको अपने दिन को बहुत अच्छा बनाना है, किसी शुभ कार्य की आप शुरुआत करने जा रहे हैं, तो अब आपके साथ हम साझा कर देते हैं आज का शुभ समय। आज का शुभ समय आपके समक्ष है, सुबह 6 से 7:30 के मध्य यह समय रहेगा। इस दौरान किसी भी नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। अगर आपको किसी कागजात पर हस्ताक्षर करने हैं तो इस समय का भरपूर लाभ उठाइए। आइए मित्रों, बात करते हैं पहले उस अचूक सिद्ध महा उपाय की जो आपके घर से धन की तमाम समस्याओं को खत्म करेगा और आपको धन धान्य से परिपूर्ण करेगा। अगर आपके घर में धन की समस्या लगातार बहुत समय से बनी हुई है तो बहुत सरल उपाय है उसको खत्म करने का। 2 चुटकी शुद्ध सफेद चंदन आप शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए, मात्र 2 चुटकी सफेद चंदन, और शिवलिंग से एक सफेद फूल स्पर्श कराकर आप अपने घर की तिजोरी में, धन रखने वाले स्थान में या अपने पर्स या पॉकेट में जरूर रखिए। ऐसा करने से कहीं ना कहीं धन की स्थिति मजबूत होगी। आइए मित्रों, बात करते हैं उस अचूक और सिद्ध महा उपाय की जो नौकरी व्यापार की समस्याओं को खत्म करेगा। अगर आपकी आजीविका में बहुत सारी समस्याएं हैं तो 11 हरी दूर्वा की पत्तियां सिंदूर लगाकर भगवान गणेश को अर्पित करिए और कहीं ना कहीं इससे लाभ भी होगा और अपने माथे पर भी आप सिंदूर का तिलक जरूर करिए। आइए मित्रों, बात करते हैं तीसरे उस महा उपाय की जो आपकी सेहत की तमाम समस्याओं को चुटकियों में खत्म करेगा। अगर आपको सेहत की समस्या लगातार बनी रहती है, दवाओं का सेवन अधिक करना पड़ रहा है, सुबह के समय गुनगुने पानी का सेवन करिए और खाने में तली भुनी चीजें कम से कम प्रयोग करिए। मैं तो ये कहूंगा बिल्कुल ना करिए, ऐसा करने से आपकी सेहत अच्छी होगी। आइए मित्रों, बात करते हैं चौथे और अंतिम उस महा उपाय की जो हर दुख परेशानी संकट को खत्म करेगा। देखिए, आज शनिवार का दिन है मित्रों, तो पीपल के पेड़ के नीचे शुद्ध सरसों के तेल का दीपक जलाएं और वहां से गीली मिट्टी का तिलक अपने माथे पर करिए। यकीन मानिए, यह छोटा सा उपाय आपको हर दुख परेशानी संकट से भी बचाएगा और कहीं ना कहीं धन वृद्धि भी करेगा। लेकिन पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करना बिल्कुल ना भूलिए। तो मित्रों, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। दीजिए ज्योतिष गुरु को इजाजत, देखते रहिए जी न्यूज। नमस्कार।